ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप में से किसी से आई हैव मेट. आई एम मृदुलिका एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी. ठीक है, सो वी हैव आलोक, मनाल, मंतिशा, रिदा एंड रुमन. ओके, वेरी गुड. सो व्हाट आई गेट इज कि आप लोगों का इस बार यू आर गोइंग टू सी एंडोक्राइन सिस्टम इन योर एग्जाम्स, राइट? यस. ओके, सो हम एक काम करेंगे, हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं विल स्टार्ट ऑफ विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट्सेल्फ, जितना ज़्यादा कंप्लीट कर सके. हालांकि क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है, सो आई ट्राई कि थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग. ठीक है, सो यू ऑल नो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम. आइडिया है थोड़ा बहुत आप लोगों को? यू ऑल हैव स्टडीड इन द स्कूल, राइट? या सो बेसिकली यू हैव एन आइडिया कि वॉट इज एन एंडोक्राइन सिस्टम. अगर हम सिस्टम की बात करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिस्टम इज समथिंग दैट वर्क्स फ्लॉलेसली. ठीक है, कोई एक प्रॉपर चीज है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. सो वेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, सिस्टम एक तरीके से बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स का बना हुआ है. दे आर वेरियस थिंग्स एंड दैट कंप्राइज द होल सिस्टम. जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स, विल स्टडी ऑल द ग्लैंड्स वन बाय वन. सो यहाँ पे कई सारे ग्लैंड्स हैं जो आपके फंक्शन करते हैं. ठीक है, यही ग्लैंड्स हमको समझने हैं एंड पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल इन योर बॉडी वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, ठीक है, बी इट योर सर्कुलेटरी सिस्टम विच इन्वॉल्व्स योर हार्ट, बी इट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इन्वॉल्व्स योर लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम विच इन्वॉल्व्स योर स्टमक, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, ये सब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में चलते हैं. ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है समझना दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आर बॉडी इज़ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड. बहुत सारी चीज़ें वहाँ परफेक्टली एकदम चल रही हैं. द टू रेगुलेटरी सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. सी व्हेन यू टॉक अबाउट रेगुलेटरी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय रेगुलेटरी? पता है आपको? That regulate the body. Okay, that regulates the body. What does the word regulate mean? Ma'am, to secrete? No, not to secrete, but I can give you an example. Like how we live in a society, ठीक है, और हमारी जो पुलिस फोर्स होती है दैट इज देयर टू रेगुलेट द सोसाइटी. यानी कि एक तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करना, कोई भी चीज इम्प्रॉपर ना हो. जैसे हम लोगों का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राइट? लखनऊ हैज इट्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दैट इज अ रेगुलेटिंग बॉडी जो मेक श्योर करती है दैट जितना भी आपका एरिया है वो किस तरीके से मैनेज्ड है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल, ठीक है, यू हैव टीचर्स, यू हैव योर प्रॉपर एडमिन, ये सब रेगुलेट करते हैं. सो रेगुलेट करना, एक प्रॉपर सिस्टम में वर्क कराना, कोऑर्डिनेट कराना, ये जितनी ड्यूटीज हैं कि जो ये सिस्टम है हमारे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये एकदम परफेक्टली चलें. ठीक है, सो ये काम किसका है? पहला आपके नर्वस सिस्टम का, दूसरा आपके एंडोक्राइन सिस्टम का. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, वहाँ पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व्ड है. न्यूरॉन्स, आप लोगों ने सुने न्यूरॉन्स? यू हैव हर्ड? इससे पहले वाला चैप्टर, राइट? वो है. एंडोक्राइन सिस्टम में वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस सिक्रीशंस, हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, ग्लैंड के फंक्शंस, ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. वहाँ पे कई सारे स्टेप्स होते हैं, उनमें कुछ सिक्रीशन है आपके, कुछ कभी ना कभी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, राइट? सो वो एसिड कैसे सिक्रीट होगा, कब सिक्रीट होगा, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, ये सब जो है आपका इन सब चीज़ों से रेगुलेटेड है. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन. टुडे विल बी स्टडिंग द एंडोक्राइन सिस्टम. प्रोसेसेस सच एज ब्रीदिंग, मूवमेंट्स, सेंसरी परसेप्शन एंड सो ऑन आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. चलना कैसे है, बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें जो है आपकी, दीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय योर नर्वस सिस्टम. अब इसके अलावा दिया अदर प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दीज आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स इन योर बॉडी. नाउ दीज केमिकल्स आर योर एंजाइम्स, योर हार्मोन्स, जो कि सिक्रीट किए जाते हैं बाय वेरियस ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आर बॉडी. दीज केमिकल्स आर सिक्रीटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डक्ट्स? डक्ट्स पता है आपको क्या होते हैं? एनी
एनी आइडिया डक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, सबको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डक्ट्स? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, हम अभी आगे देखेंगे तब देखते हैं. द सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स बाय रिलीजिंग सर्टन केमिकल मैसेंजर्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम. डक्ट यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई समझ लीजिए कि एक पाइपलाइन है, उसमें हर जगह रुक रुक के सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपके डक्ट्स बनेंगे, ठीक है, एक एक करके. यहाँ पे डक्ट्स हैं ही नहीं, सीधा कोई भी ग्लैंड, ठीक है, अगर आपका कोई सिक्रीशन कर रहा है हार्मोन, वो सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है. सो दीज आर योर डक्टलेस ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर योर डक्टलेस ग्लैंड्स. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स का सिस्टम है, जो सेल्स और ऑर्गन्स को कुछ केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू कंट्रोल करता है, और वो कहाँ जाते हैं केमिकल मैसेंजर्स, सीधा आपके ब्लड में, ठीक है. तो ऐसे ही सिस्टम को हम कहते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम समझ में आ गया बच्चा? यस. ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की. Based on how their secretions are carried towards the target organs, glands are of two types, endocrine gland or exocrine. ठीक है, पहला हो गया हमारा endocrine, दूसरा है हमारा exocrine. इस chapter में we just have to deal with this. ठीक है, the term endocrine is derived from two Greek words. Now let me tell you one thing बच्चा, जब भी हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं, ज़्यादातर जो टर्म्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज से इसलिए क्योंकि जो इनिशियल जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी, इनिशियल जो काफ़ी सारे थे, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट योर फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी वगैरह, अलग अलग फादर्स पढ़ोगे जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, दे ऑल्सो वर ग्रीक्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपनी जो सारी चीज़ें थी वो स्टार्ट कर दी थी. सो कई सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव करते हैं. सो टू ग्रीक वर्ड्स, एंडो मीन्स विद इन और इनसाइड, क्रिन मीन्स सिक्रीशन, यानी इनसाइड सिक्रीशंस, एक तरीके से अगर हम एंडोक्राइन को ब्रेक करें तो. Endocrine glands are also called ductless glands because they do not have their own ducts, proper channels जो होते हैं वो नहीं होते हैं. They release their secretions directly into the cells or in tissue spaces adjacent to them. वो directly अपना secretion जो भी है उनके आसपास जो जगह है वहाँ पर secrete करते हैं. They are then carried by blood and lymph. Okay, हमारी body में दो moving liquids होते हैं, one तो blood, we all know, ठीक है, दूसरा होता है लिम्फ. लिम्फ थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगी. ब्लड एंड लिम्फ आर टू नेवर स्टेशनरी फ्लूइड्स इन अ बॉडी, पूरे टाइम वो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं क्योंकि कहाँ ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं. मोर ओवर ब्लड ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है, सो वो हर जगह पहुँचेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सब कुछ जो है ब्लड से होता है. नाउ टू द टारगेट ऑर्गन. सो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लैंड, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आसपास के सेल्स या टिश्यूज में अपना सिक्रीशन डाल देगा, और यहाँ से जो ब्लड जा रहा होगा, ठीक है, वो इसको पिकअप कर लेगा, एंड जो भी आपका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, विच एवर इज योर टारगेट ऑर्गन, ये वहाँ पहुँचा देगा. सो दिस इज हाउ दे वर्क. इनके अलग से चैनल्स नहीं होते, जैसे हाउ ब्लड्स आर कैरिड इन आर्टरीज और वेन्स, इनके नहीं होते, ये सीधा अपना सिक्रीशन आसपास पोर कर देते हैं. द केमिकल सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हारमोन्स. तो हारमोन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हारमोन्स आर द केमिकल्स दैट आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स आर सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ कन्फ्यूज नहीं होना है, व्हेन वी टॉक अबाउट गोनाड्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, आपकी टेस्टिस एंड योर ओवरीज. टेस्टिस
आपकी मेल्स में होती हैं, ओवरीज फीमेल्स में होती हैं, टुगेदर दे आर नोन एज गोनाड्स. नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहली बात तो हमने एंडोक्राइन की कर ली, अब एक्सोक्राइन की ग्लैंड लेंगे. अब यहाँ पे सेम चीज़, जैसे यहाँ पे एंडो विद इन था, एक्सो इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड जो है उसको एक्सो कहते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विद डक्ट्स और स्पेशल ट्यूब्स विच रिलीज द सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द डक्ट. दीज डक्ट्स कैरी द सिक्रीशन टू द टारगेट ऑर्गन, यानी कि इनके पास प्रॉपर सिस्टम है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और ये उसका टारगेट ऑर्गन है, सो ये अपने टिश्यू में सिक्रीट नहीं करेगा. इसके पास एक प्रॉपर रास्ता है, प्रॉपर पाथ है, जिसके थ्रू ये अपना सिक्रीशन यहाँ से टारगेट तक लेके जाएगा, ठीक है. सो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में डिफरेंस समझ में आया आपको? व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ दे कैरी देयर सिक्रीशंस? यस, ओके, वेरी गुड. नाउ द केमिकल सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंजाइम्स. यहाँ पे हार्मोन्स है हमारे पास, यहाँ पे हैं एंजाइम्स. सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर सम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जो हमारे मुंह में पानी आता है, ठीक है, सलाइवा, ये जो है दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दे हैव प्रॉपर डक्ट्स, उनके चैनल्स हैं जहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है. नाउ लेट अस सी आगे. ओके, या जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द रिमोट. या ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट गो थ्रू सर्टेन डिफरेंसेस जो कि आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में हैं. डेफिनेशन की अगर हम बात, ओके, डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन में कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर योर एंडोक्राइन, दीज आर योर एक्सोक्राइन. सो एंडोक्राइन में क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, दीज आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू सेल्स और सराउंडिंग टिश्यू, आसपास जो हम बात कर रहे थे. यहाँ पे दे हैव प्रॉपर डक्ट्स और चैनल्स जो सीधा आपके टारगेट ऑर्गन तक जाता है. डक्ट्स, दीज आर डकलेट्स ग्लैंड्स, यहाँ पे डक्ट्स जो हैं दे आर एब्सेंट, ठीक है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे डक्ट्स की प्रेजेंस देखी गई है, दे विल बी प्रेजेंट है. टाइप्स ऑफ सिक्रीशन, ये सिक्रीट करते हैं आपके हार्मोन्स, यहाँ क्या हो जाएगा एंजाइम्स. रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इज स्लोअर सिंस द सिक्रीशन हैज टू बी कैरिड थ्रू ब्लड. अब यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, रिस्पॉन्स टाइम यानी कि कितनी जल्दी वो सिक्रीट कर लेते हैं, कितनी जल्दी वो एक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ये पहले अपने आसपास के सेल्स में या टिश्यूज में रिलीज करेंगे एंड दैट विल बी देन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द पर्टिकुलर ऑर्गन जो भी आपका टारगेट ऑर्गन है. बट यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो फास्ट है बिकॉज दे हैव प्रॉपर चैनल्स, तो इनके थ्रू होते हुए सीधा टारगेट ऑर्गन तक आपका सिक्रीशन पहुंच जाएगा, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप स्कूल गए थे, आज तो नहीं गए थे, यू ऑल आर एंजॉइंग द रेनी डे, कोजिंग अप, ब्लैंकेट में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, मज़ा आ रहा है? यस yes? मज़ा आ रहा है, ठीक है. तो आज तो स्कूल नहीं गए थे, हाँ, कोई कुछ कह रहा था, प्लीज़ मेक श्योर इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है, सिर्फ मैं बोलती रहूँगी तो मज़ा नहीं आएगा, आप लोग भी बातें करिए, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, लेट अस मेक बायोलॉजी इंटरेस्टिंग, ठीक है. सिर्फ खाली चुपचाप बैठे पड़े हैं, सिर्फ सुने जा रहे हैं मुझे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है. आस्क मी क्वेश्चंस या फिर अपने डाउट शेयर करिए या इफ़ यू हैव एनीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टेल मी दैट, ठीक है. तैयारी करके रहेंगे अब. सो जैसे अब मान लीजिए आप स्कूल गए, ठीक है, किसी दिन स्कूल गए एंड यू केम बैक होम एंड यू रियलाइज कि मम्मी ने आज बिरयानी बनाई है, ठीक है, या फिर आप घर आए, आपने फ्रिज खोला एंड सामने एक बहुत बड़ा सा चॉकलेट केक रखा है, आपके मुंह में पानी आता है? यस और नो?
आता है कि नहीं आता है? आता है राइट? हाँ, क्योंकि बड़ी खुशी भी होती है कि अरे इतनी अच्छी चीज़ है, वरना रोज़ दाल रोटी सब्जी खा के तो बोर हो जाते हैं ना. वन डे मम्मा मेड बिरयानी, फिर मम्मा ने जैसे मैंने कहा कि केक है. सो ये सब सोच के भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा. दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली सिक्रीशन आपके मुंह में आ गया. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है. सलाइवरी ग्लैंड इज योर डक्टलेस नहीं है, यहाँ पे डक्ट्स हैं, एक्सोक्राइन है, तो वो सीधा आपके मुंह में आ गया. अब जस्ट इमेजिन कि सलाइवा या जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता, तो यहाँ तो डक्ट है नहीं, तो क्या होता? आप अगर आपको अगर बिरयानी की खुशबू आती, ठीक है, तो पहले वो सिक्रीट होता आसपास के सेल्स में, टिश्यूज़ में, फिर वो ब्लड में जाता, फिर ब्लड उसको माउथ तक लेके आता, तो तब तक आप शायद बिरयानी खा भी चुके होते, है ना. सो जो स्मेल है, जो एकदम से तुरंत से जो सिक्रीशन है, वो नहीं हो पाता है. यहाँ पर रिएक्शन टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है, इट इज़ स्लोअर. ओवर हियर इट इज़ फास्टर. Now, duration of action, they control long-term activity of the target organ. यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके hormones हैं, जो chemical messengers हम यहाँ बात कर रहे हैं, इनका effect कहीं ज़्यादा लंबे time तक रहता है. But यहाँ पे जो effect है वो short term. मुँह में आपके saliva आया, finish, ठीक है. आपने, वो मम्मी ने कहा कि ये बिरयानी guest के लिए है, तुम आज करेला खाओगे. आता है saliva? मन होता है खाने का? होता है कि नहीं होता है करेला खाने का? मतलब बिरयानी है, बिरयानी बनी हुई है, मम्मी ने कह दिया नहीं ये गेस्ट के लिए है, तुम करेला खाओ बच्चा. खाने का मन करेगा? नहीं करेगा. तो यहाँ पे तो सलाइवा तुरंत ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज नो आई डोंट वांट टू ईट करेला, ठीक है. सो यहाँ पे आपका जो एक तरीके से एक्टिविटी है, बहुत शॉर्ट टर्म है, यहाँ लॉन्ग टर्म है. एग्जाम्पल्स क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड सो ऑन. यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस चार्ट दैट वी कैन से बिटवीन एंडोक्राइन एंड योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. लेट्स मूव अहेड नाउ. अब हम बात करेंगे हमारे एंडोक्राइन या फिर हार्मोनल ग्लैंड्स की, जो कि हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहला जो है, इट इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड. ये हमारी पूरी क्लासरूम में सबसे, एक कहेंगे ना कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होता है, मास्टर जिसको कहते हैं, वो है. द पिट्यूटरी इज़ अ स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को मिड ब्रेन भी कहते हैं. नाउ सिंस यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर नर्वस सिस्टम एंड ऑल, आपको एग्जैक्टली पता है द पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स, यू नो, आइडिया है थोड़ा बहुत? या सो यहाँ पे ये जो पिंक कलर से डिनोट हो रहा है, ठीक है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस के नीचे मिड ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. सो दिस इज योर पिट्यूटरी. फंक्शंस क्या हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? The pituitary gland controls the functioning of all other endocrine glands. यानी हमारी बॉडी में और जितने भी endocrine glands हैं, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सबको कंट्रोल कर रहा है हमारा pituitary gland, and that is why your pituitary gland is known as the master gland. ठीक है, ये हमारा master है सारे endocrine glands का. It secretes growth hormones which control the overall development or growth of the body, muscles and bones. Growth hormone very important. Short में उसको कहते हैं GH, ठीक है. तो एक ग्रोथ हार्मोन जो होता है, इसकी वजह से हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ग्रोथ है, हमारा डेवलपमेंट है कितना होगा, वो ये सब डिसाइड करता है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द पिट्यूटरी. In some children, the pituitary gland may release too little or too much of the hormone. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग ड्वार्फ होते हैं, तो उनमें जो सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, वो काफ़ी कम होता है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉल पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट हु आर लिटरली हु सीम टू बी लाइक जायंट्स, ठीक है. सो वो कहीं ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तब होता है. इट्स अंडर सिक्रीशन मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ड्वार्फिज्म, वाइल इट्स ओवर सिक्रीशन कैन मेक अ पर्सन ग्रो वेरी टॉल, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड जाइगेंटिज्म, ठीक है. सो ये दो कंडीशंस हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल,
currently he is the tallest man in the whole world. He is from Turkey. I have forgotten his name. I don't remember his name, but he is the tallest man in the whole world. She is the smallest female, ठीक है? She is the smallest person, male and female both में. And हाँ बेटा, the name of the tallest man in the world is Sultan. Okay, you know that, very good, that's nice. So Mr. Sultan is currently the tallest person and she is an Indian. Her name is Jyoti, theek hai, Jyoti Amge. She is an Indian. She is the smallest person in the whole world. So ye jo hai dwarfism hai, this is your gigantism, theek hai. So ye kis liye, jo aapka growth hormone hai, agar too much secretion, gigantism happens. Too little, आपका dwarfism होगा. हिंदी में हम लोग इसको बौना होना कहते हैं, right? You almost know. तो ये होता है आपका pituitary gland. Moving on to next, thyroid gland. अब thyroid gland की position होती है आपके यहाँ पे, ठीक है? Exactly over here, यहाँ पे, जो ये आपका Adam's apple होता है, जो boys के केस में ऊपर नीचे होता है, उसके पास यहाँ पे आपकी thyroid gland की position होती है. The thyroid gland is a large endocrine gland and found in the neck region just in front of the windpipe. Windpipe को हम trachea भी कहते हैं. So ये जो white color का structure है, ये ठीक है, ये जो नीचे जा रहा है, this is your trachea. ये है आपका thyroid gland, जो एक bow shape में है. अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका shape कुछ कुछ इस तरीके से है, bow shape gland. तो ये है आपका thyroid gland और इसके पीछे larynx लिखा हुआ है. Larynx से आपकी voice आती है, it's called sound box also, ठीक है? So this is the position of your thyroid gland. It has two lateral lobes, one on either side of the trachea. अगर आप देखोगे, ये trachea बीच में चल रही है, दोनों तरफ, एक lobe इधर है, एक lobe इधर है, right? So ये इसके दो lobes हैं, जो कि trachea के दोनों side present हैं. The two lobes are connected by a narrow mass of tissue called isthmus. ये जो portion है, ठीक है? This portion, this is your isthmus. ये है आपका isthmus जो यहाँ से connect करता है इस और इस lobe को, ठीक? The thyroid gland has a rich blood supply and it delivers a large amount of hormones in a short period of time if necessary. हमने क्या देखा था कि जो हमारे endocrine glands हैं, ठीक है? वो अपना secretion आसपास के cells और tissues में करते हैं. But thyroid gland के case में क्या हो रहा है? यहाँ पे blood supply जो है बहुत अच्छी है. यानी इसके आसपास बहुत ज़्यादा आपकी arteries, veins and so on है. So इसका जो secretion है, वो कहीं ज़्यादा blood में तुरंत चला जाता है. अब क्योंकि blood में fast चला गया, तो response time भी fast हो जाएगा. So जो short period है, वो देखा जाता है कि जो भी thyroid gland के hormones हैं, they act very fast. ठीक है? Now okay, so I think some of you have joined just now. कुछ problem हो गई थी बेटा. Okay, Manal, can you see me all? Yes. Manal, अब आप. Manal, can you see me now, बेटा? Yes, ma'am, I can see you now. Okay, I think there might have been some problem beech mein, theek hai? So, anyways, we are talking about ki jo hamara adrenal gland, thyroid gland hai, uske baare mein. So, yahan pe jo bhi aapke secretion hai, agar cells aur tissues se ilawa, richer blood supply. Richer blood supply, yani ki zyada se zyada aapke blood vessels hai wahan pe. To jitne zyada blood vessels honge, utne zyada inke secretions jo honge, wo aapke ब्लड में पाए जाएंगे, ठीक है? एंड दिस इज हाउ इट एक्ट्स अ लिटिल फास्टर या रैपिड. नाउ मूविंग ऑन टू द फंक्शंस. द फंक्शंस जो हैं, द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स टू हार्मोन्स. पहला है आपका थायरोक्सिन एंड दूसरा है आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन सुन के ही थोड़ा थोड़ा कैल्शियम याद आ रहा है. एंड इसी तरीके से आपको याद रखना है दैट कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, इट इज़ समहाउ कनेक्टेड विद द कैल्शियम जो आपकी बॉडी में है. थायरोक्सिन कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, स्पेशली
the rate at which oxygen is consumed and energy is produced. Okay, अब यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, समझने की कोशिश करिएगा. Whenever we take in oxygen, क्या होता है जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, what happens? Can anyone tell me? वेरी गुड आदर्श, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, सो सी इट इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, इट इज अबाउट रेस्पिरेशन. वर्ड क्या है? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में जैसे कि हमें अभी आदर्श ने समझाया कि ग्लूकोज लाइक सब्सटेंसेस या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दे आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, इनको हम तोड़ते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में. अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है. दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली, ठीक है, हमारी बॉडी में एक टाइम पे कई सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दे आर नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस. अब वो होते हैं दो टाइप के, एनाबॉलिज्म एक चीज़ होती है और दूसरी होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, ठीक है. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करते हैं, यानी वी मेक समथिंग, और ठीक अपोजिट कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? वी ब्रेक थिंग्स, हम चीज़ें तोड़ते हैं. तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है, बाहर आती है, और यहाँ पे एनाबॉलिज्म में आपकी एनर्जी रिक्वायर होती है. तो इस तरीके की कई सारी प्रोसेसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में पूरे टाइम चलते रहते हैं, पूरे टाइम, ठीक है. इन दोनों को इकट्ठा मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको कौन एक तरीके से पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? आपका थायरॉक्सिन, ठीक है. सो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, एक सेल के लेवल पे आपका जो भी मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, वो कंट्रोल किया जा रहा है, इट इज़ डन बाय योर थायरॉक्सिन. नेक्स्ट, इट आल्सो रेगुलेट्स, ये इसका पहला फंक्शन हो गया. दूसरा क्या है? इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी. जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है, अच्छा, वी आर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड. वी आर वार्म, यस वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सो यहाँ पे जो हमारे वार्म ब्लडेड होने का एक जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन का बड़ा हाथ है. इट एक्चुअली मेंटेन्स अ बॉडी टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर दैट वी फील कम्फर्टेबल, ठीक है. आपने देखा होगा कि हम जब बाहर चले जाते हैं, आजकल इट इज टू चिल्ड आउट आउटसाइड, ठीक है. तो अगर आप बाहर जाते हो, यू मस्ट हैव सीन कि अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा वुलन कपड़ा नहीं पहना है, स्टिल यू क्लोज योर फिट्स एंड यू कैन फील कि आपके अंदर कुछ हीट है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी थायरॉक्सिन. ऑब्वियसली आप घर पे आके गर्म कपड़ा पहनोगे और अच्छा लगेगा, बट थायरॉक्सिन जो है आपका ये बॉडी टेम्परेचर जो है एक तरीके से रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. अब ये थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन है, ठीक है, पहला वाला, इसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत है. अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट लीड्स टू लो थायरॉक्सिन हार्मोन इन द ब्लड. ऑब्वियस ही बात है, अब किसी चीज़ के प्रोड्यूस होने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए और वो ही नहीं है हमारी बॉडी में, सो डेफिशिएंसी तो होगी, क्योंकि जो भी चीज़ उसके ऊपर बेस्ड है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. सो यहाँ पे आयोडीन कम हुआ, आयोडीन की वजह से सीधा सीधा जो आपका थायरॉक्सिन है ये कम हो गया. अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म. आई होप आप लोगों को पता हो कि अगर कोई चीज़ कम होती है तो उसको हम हाइपो कहते हैं, ठीक है. अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम उसको हाइपर कहते हैं. जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो हम कभी कभी कहते हैं अरे कितना हाइपर एक्टिव बच्चा है, या फिर जब मम्मा गुस्सा हो रही होती है तो कहते हैं हाइपर क्यों हो रहे हो. हाइपर यानी कि ज़्यादा, हाइपो इज लेस, ठीक है. सो हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा? जब आपकी आयोडीन जो है ये कम हो जाएगी. आयोडीन कम, थायरॉक्सिन कम, थायरॉक्सिन कम इज इक्वल टू हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ इट मेक्स पर्सन स्लीपी एंड स्लगिश. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लगिश? स्लगिश क्या होता है? व्हाट इज स्लगिश? अच्छा, स्लग्स देखे, स्नेल्स देखे आप लोगों ने,
स्नेल्स तो देखे हैं, स्लग्स, हाँ लेजी, वेरी गुड. स्लगिश इज जैसे कि स्नेल्स होते हैं आपके, धीरे धीरे क्रॉल कर करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. जैसे आजकल मॉर्निंग में आपको उठाने के लिए मम्मा उठाती होंगी कि चलो उठो स्कूल जाना है, यू आर लाइक व्हाट, लेजी, धीरे 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 धीरे, हाँ अभी उठ रहे हैं, अभी उठ रहे हैं. सो स्लगिश इज हैविंग दैट लेजीनेस थिंग जो होता है, बिकॉज अ स्नेल एंड स्लग दे क्रॉल वेरी 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 स्लोली, सो इसलिए उसको स्लगिश कहा गया है. Leading to weight gain. Obviously, if a person sleeps more, if he is not doing any kind of physical activity, it will lead to weight gain. It leads to the swelling of the thyroid gland, a condition called goiter. तो यहाँ पे हमारी पहली बीमारी आ रही है thyroid gland की, जो कि है goiter. यहाँ पे हमने देखा हमारा thyroid gland present है, ये swell up हो जाता है. अभी हम देखेंगे. Over secretion of thyroxin is called hyperthyroidism. जैसे मैंने कहा hypo and hyper, अब ज़्यादा हो गया तो हम उसको hyperthyroidism कहेंगे, ठीक है. Now it increases the speed of cellular respiration leading to weight loss. जैसे कि हमको आदर्श ने बताया था carbohydrates break down होते हैं, energy release होती है, ये एक level पे maintained होता है. अब क्योंकि आपका जो thyroid है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, thyroxine बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो जो आपकी respiration के through जो breakdown हो रही है glucose की वो भी बहुत बढ़ जाएगी. अब इसकी वजह से क्या होगा, glucose आपकी body में deposit नहीं हो पाएगा in the form of fats. Ultimately जो वेट लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट गेन, हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो रहा है और आपके हाइपर में वेट लॉस हो रहा है, ठीक है. लास्ट इज द थायराइड ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन, जो कि हमारा सेकेंड हार्मोन है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स हैं. सी वॉट एवर इज ऑब्जॉर्ब्ड इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें ऑब्जॉर्ब होती हैं ना वो ब्लड में जाती हैं. जैसे हमने खाना खाया, डाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, बट एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में जाएंगी, सो दैट ब्लड कैन टेक इट टू एनी ऑर्गन दैट इट रिक्वायर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं प्रोटीन्स चाहिए, कहीं कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम कहाँ चाहिए होगा, अगर जनरली हम सोचें कैल्शियम कहाँ चाहिए होगा, जस्ट एन आइडिया, बोन्स, वेरी गुड, हाँ बोन्स में है ना. सो जो भी हमारे खाने के थ्रू, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी ग्लास ऑफ मिल्क, उन्होंने मिल्क पिया, उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा एंड दैट विल बी टेकन टू द बोन्स, ठीक है. सो वो ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड. तो एक तरीके से जो हमारा ब्लड है दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ आर ओला एंड ऊबर इन आर बॉडी, है ना. सारे काम जो है सब लोगों को बिठाना पहुँचाना यही कर रहा है. सो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम लेवल है, कैल्सिटोनिन ब्लड में आएगा, ब्लड को वो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देगा एंड अल्टीमेटली जो कैल्शियम लेवल्स हैं ब्लड में वो कंट्रोल होंगे, ठीक है. दिस इज व्हाट गॉइटर लुक्स लाइक, ये जो स्वेलिंग हो गई है नेक पे, ठीक है, दिस इज एक्चुअली गॉइटर. गॉइटर में आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होगा एंड दैट विल लीड टू द एनलार्जमेंट. थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो, इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आयोडीन है वो यूज़ किया जाए. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड कि आयोडाइज सॉल्ट, हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट है. क्यों आयोडाइज है, बिकॉज ये चीज़ें मायने रखती हैं. अगर आपकी लेवल बॉडी में आपका ये कम हो जाएगा, ऑब्वियसली यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो यहाँ पे आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ योर पैराथायरॉयड ग्लैंड. अब एक चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे हमारे ये था हमारा थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड सामने से ऐसा दिखता है, ठीक उसके पीछे, यानी कि अगर मैं इस लेडी के पीछे चली जाऊँगी तो चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके थायरॉयड ग्लैंड में एक तरीके से एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, जैसे बटन्स नहीं होते उस तरीके से. पीछे की साइड पे, आगे साइड पे तो थायराइड ग्लैंड है, पीछे की साइड पे चार जगह आपके पैराथायराइड ग्लैंड होंगे, ठीक है. दिस इज़ द लोकेशन, ये जो यहाँ पे हैं हर एक लोब में, एक ऊपर और एक नीचे. नाउ दीज आर फोर स्मॉल ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द पोस्टेरियर सर्फेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. पोस्टेरियर मतलब पीछे, सो आगे यहाँ पे आपका जो है थायराइड ग्लैंड, उसी के ठीक पीछे वाले हिस्से में आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है. द सीक्रीट द पैराथायराइड हार्मोन, सिंपल है, पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से मिलता है.
also called parathormone, which regulates calcium and phosphorus metabolism. So, आपका जो parathormone है या parathyroid hormone है, वो भी क्या करता है? Calcium और phosphorus के levels को maintain करने में, metabolism में उनके help करता है. Clear? यहाँ तक कोई problem? No, ma'am. Okay, very good. चलिए, next is your adrenal glands. Now, when we talk about adrenal glands, ठीक है, adrenal glands कहाँ होते हैं? ये है हमारी kidneys, ठीक है? Kidneys की upper surface पे जो ये yellow structure दिख रहा है, दोनों तरफ, these are your adrenal glands. दोनों kidney पे ऊपर की तरफ. There are two adrenal glands present in our body, located on top of each kidney. Now, each adrenal gland has two parts, an outer adrenal cortex and an inner adrenal medulla. Outer जो है उसको क्या कहेंगे? Adrenal cortex, और inner जो है adrenal medulla. जैसे ये shape है इसका, ठीक है? तो जो बाहर का हिस्सा है, this is your cortex and this is your medulla, ठीक है? एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इट सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स इन द बॉडी. यानी जो कॉर्टेक्स है उसका काम क्या है? वो हार्मोन सिक्रीट करना जो वेरियस हमारे मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करेंगे. एड्रेनल मेड्यूला जो ये इनसाइड वाला पोर्शन है, ठीक है, एड्रेनल मेडुला सिक्रीट्स टू मेजर हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. एड्रेनालिन एंड योर नॉर एड्रेनालिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बोथ दीज हार्मोन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग साइन का फंक्शन है. एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? एज इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट, दैट इज टू फेस द डेंजर, और फ्लाइट, दैट इज टू रन अवे फ्रॉम इट सिचुएशन. इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं, इट इज नथिंग रॉन्ग, कभी जब किसी का झगड़ा होने लगता है, दे गो हेड एंड स्टार्ट फाइटिंग, ठीक है. बट कुछ लोग होते हैं जो स्टेप बैक एंड दे गो अवे बिकॉज दे आर स्केर्ड, एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. सो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, जाके एकदम भिड़ जाना, लड़ जाना एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो स्टेपिंग अवे, दीज आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन, ठीक है. एड्रेनालिन इज अ वेरी रश काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू फील. कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप कोई अम्यूजमेंट पार्क में या कहीं गए हो ऐसे? हैव यू एवर बीन जहाँ बहुत बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं, रोलर कोस्टर्स होते हैं, राइट? तो वहाँ पे जब जैसे लाइन में खड़े होते हो कि आएगा आएगा, द मोमेंट यू सिट इन द सीट, और ये होता है कि अब ये स्टार्ट हो रहा है, एक अजीब सी मतलब यू मस्ट हैव फेल्ट दोज बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, राइट? कि अरे कुछ होने वाला है, समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन. सो दैट इज योर जो एक्साइटमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एड्रेनालिन. एड्रेनालिन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, जैसे यू मस्ट हैव ऑल हर्ड दैट, हाउ इज द जोश, ठीक है. सो हाउ दे शाउट एंड से यस सर, सो वो जो चीज है दैट इज एड्रेनालिन, जो जोश वाली बात होती है दैट इज एड्रेनालिन. एड्रेनालिन इज रिलीज व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्ट्रेस और इज इन्वॉल्वड इन इंटेंसिव एक्सरसाइज. यही नहीं है कि बहुत हाइपर भी, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हैं, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन कई बार ऐसा होता है दैट आर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन समथिंग, वो बहुत ज़्यादा उसमें लाइक रिलेटेड टू देयर वर्क और समथिंग, दे आर इन स्ट्रेस, एंड उनसे कभी बात कर लो तो डांट पड़ जाती है कभी कभी. वो तो होता है कभी कि आप उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो जैसे कि अभी जाओ, अभी बात मत करो, होता है ना, बिकॉज दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो वो जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है. सो एड्रेनालिन एक्ट्स इन बोथ, जब आप बहुत ज़्यादा डेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर भी हो. इट मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, एंड हेल्प्स टू कोप अप विद स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो, नॉर्मल डे चल रहा है, ठीक है. लेट अस से हिंदी पढ़ रहे हो आप, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई बट यू ऑल पीपल हैव अ रियली सम स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है. और हिंदी में अगर एसे लिखने को दे दिया जाए तो पता नहीं क्या होता है. सो दैट सिचुएशन, धीरे धीरे आप लिख रहे हो एंड सडनली देयर इज अन अनाउंसमेंट कि प्रिंसिपल मैम क्लास में आ रही हैं. क्या होता है?
एकदम से सीधे सीधे बैठ के हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, होता है कि नहीं होता है? फील दैट. सो दैट इज बिकॉज जो आपका एड्रेनलिन है वो सिक्रीट हो रहा है, दैट इज मेकिंग यू अलर्ट. जो अभी तक कुछ टाइम पहले तक आप यॉन कर रहे थे ना, धीरे 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 चल रहा था, अब वो एकदम खत्म हो जाता है. यू आर फुली अलर्ट. यू हाँ बेटा, ओके ओके, चलिए ठीक है. सो एनीवेज, हम यहाँ थे कि जैसे ही प्रिंसिपल मैम के आने का अनाउंसमेंट होता है, यू आर बिकम फुली अलर्ट कि अब तो भाई डांट पड़ सकती है. सो एकदम अपनी यूनिफॉर्म नीट करके एंड एकदम अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते हो. सो ये जो फिर तुरंत हार्ट फास्ट बीट करने लगता है या कुछ होता है, जैसे प्राइज सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें अगर आपको अवार्ड मिलने वाला होता है, आप वहीं खड़े होते हो बट यू स्टिल वेट फॉर द मोमेंट कि अब आपका नाम अनाउंस होगा एंड यू हैव दैट फीलिंग कि हार्ट बीट कर रहा है मेरा बहुत तेज़ एंड ऑल. सो ब्लड सप्लाई जो है बहुत फास्ट हो जाती है टू द ब्रेन एंड ये सिचुएशन जो है कि स्ट्रेस है या फिर बहुत एक्साइटमेंट है उसे कोप करने में हेल्प होती है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज एंड व्हाट इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज ये आपका स्टमक है. ठीक है, दिस इज योर स्टमक. स्टमक के पीछे लोकेटेड होते हैं पैनक्रियाज. नाउ दीज आर ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन एब्डोमेन बिहाइंड स्टमक. इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड और इसीलिए इसको ड्यूअल ग्लैंड कहते हैं. ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल ग्लैंड. नाउ फंक्शंस, इट्स एक्सोक्राइन कंपोनेंट यानी कि जिसमें डक्ट्स हैं. कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स ऑफ एसिनी विच प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक फ्लूइड कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो पैनक्रियाज होता है इट ऑल्सो हेल्प्स डाइजेशन में. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो जो उसके सिक्रीशंस हैं वो वेरियस एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं और यहाँ पे डाइजेशन में उनका बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, सो वो यहाँ पे एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया. अब इसके अलावा जो एंडोक्राइन कंपोनेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे. सो ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन यू मस्ट हैव हर्ड, जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, एक तरीके से इट वर्क्स एज अ मिरेकल फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई एल्डरली है आपके फैमिली में और इफ़ यू नो समवन हु सफर्स फ्रॉम डायबिटीज़, उनको इंसुलिन दिया जाता है. राइट, मतलब आउटसाइड द बॉडी इट इज़ इंजेक्टेड इन टू देयर बॉडी ताकि उनका जो डायबिटीज़ है, अगर उनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो वो मेनटेन रहे. इंसुलिन रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. यानी आपकी ग्लूकोज बॉडी में जितना भी आपका ग्लूकोज है वो मेनटेन रहे उसके लिए इंसुलिन वर्क करता है. एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर बॉडी इज कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन एंड स्टोर्ड इन द लिवर. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लिवर है. ठीक है, यहाँ से है यहाँ तक है. सो ये जो लिवर है इसमें राइट आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट की तरह स्टोर होता है. इन सम पीपल इनफ इंसुलिन इज नॉट रिलीज बिकॉज ऑफ विच एक्सेस ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड एंड इज एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद यूरिन. अब ब्लड में आपका ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, इंसुलिन है नहीं. इंसुलिन एक्चुअली उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन और फैट में लिवर तक ले जाता है. अब जब इंसुलिन ही नहीं है तो आपके ब्लड शुगर जो है वो राइज हो जाएगी एंड अल्टीमेटली दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटिस मेलाइटिस. डायबिटिस इंसिपिडस भी होता है, वो डिफरेंट है, कन्फ्यूज नहीं होना है. जो इंसुलिन की वर्किंग की वजह से जो इंसुलिन ख़त्म हो जाए बॉडी में नहीं हो तो जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज योर डायबिटिस मेलाइटिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. ओके, व्हाट इज द टाइम? आई थिंक यू हैव योर नेक्स्ट क्लास राइट, ज्योग्राफी आल्सो. सो आई थिंक हम लोग यहाँ पे अभी रुकते हैं. समझ में आया सबको? डिड यू गेट इट एवरीवन? यस, क्लियर. ओके, सो व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे का कवर करेंगे एंड जो खत्म हो जाएगा जैसे विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर सो दैट यू डोंट इवन मिस अ क्लास इन बिटवीन. ठीक है, सॉरी, देयर इज अ रिक्वेस्ट. डक्ट्स ऑफ एसिनीज आर एक्चुअली स्ट्रक्चर्स जो आप यहाँ बात कर रहे हो ना, ये
डक्ट्स ऑफ, जैसे आपके आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स होते हैं, दीज आर जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे हम बात करें एक्सोक्राइन कंपोनेंट की ना, तो उसमें तो डक्ट्स होंगे ही. डक्ट्स ऑफ एसिनिया आर एक्चुअली द नेम ऑफ दोज डक्ट्स सिंपली, ठीक है, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डक्ट्स ही हैं, बस उनको डक्ट्स ऑफ एसिनी कहा जाता है ताकि हम समझ सकें. क्लियर? हाँ बेटा. Dual gland as a mixed gland. Mixed gland कह सकते हो, कहा भी जाता है, इनफैक्ट यू आर नॉट रॉन्ग, बट जो ज़्यादा appropriate है दैट इज़ योर dual gland. ठीक है, मतलब मिक्स gland तो ऑब्वियसली समझ में जाएंगे कि endocrine, exocrine parts दोनों हैं, but when you say dual, क्योंकि वो दोनों roles play कर रहा है ना, और दोनों roles उसके आपस में mix नहीं हो रहे. This फंक्शन जो आपका एक्सोक्राइन का है वो उसका प्रॉपर फंक्शन है, यहाँ जो एंडोक्राइन का फंक्शन है वो भी प्रॉपर है, इट इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड. सो दोनों रोल्स वो प्रॉपरली प्ले कर रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज ड्यूअल ग्लैंड. ठीक है, ओके. चलिए देन, आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर कुछ होती है लेट मी नो, मैसेज कर दीजिएगा या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं. बस नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम इन द क्लास एक बार रिवाइज ज़रूर करके आइएगा, ठीक है, सो दैट व्हेन वी कंटिन्यू आगे, जब अब सिर्फ टेस्टिस एंड ओवरी बाकी हैं, फिर आपके एडोलेसेंस की बात होगी, दैट इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस एंड जनरल नॉलेज स्टफ, सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलिए देन, यू ऑल हैव गुड इवनिंग, टेक केयर एंड स्टे कोजी. ठीक है, stay warm, take care, bye.